तेरी सुर में मैं गाऊं, तेरी धुन में मैं नाचूं, दिव्या भारती जी का सॉन्ग। दोस्तों, आज इस गार्डन में मैं पहुंचा हुआ हूं फिल्म के करीब 29 से 30 साल बाद। और दिव्या भारती जी, जिन्होंने ये एक फेमस सॉन्ग इस जगह पर आकर रिकॉर्ड किया था किसी वक्त पर, वो इतना पुराना वक्त, वो टाइम पर ये गार्डन बहुत खूबसूरत था। आज दिव्या भारती जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज मैं आपको वो जगह दिखाने आया हुआ हूँ दोस्तों, जिस जगह पर उन्होंने आके अपने सॉन्ग के कुछ सीन रिकॉर्ड किए थे। ये यहाँ से एंट्री गेट है छोटा कश्मीर का। अगर आप यहाँ पर कभी भी कहीं से भी आना चाहते हो तो आप मुंबई के गोरेगांव स्टेशन पर उतर के ईस्ट साइड में से अगर ऑटो रिक्शा लेते हो तो करीब 30-40 रुपए में यहाँ पर पहुँच जाओगे। हाईवे से करीब 2 किलोमीटर दूर ये जगह है जहाँ पर एक दिन दिव्या भारती जी आई थी और उन्होंने यहाँ पर डांस किया था, तेरे सुर में मैं गाऊं, तेरी धुन में मैं नाचूं। इस जगह पर एक दिन वो डांस करके जा चुकी हैं इस गार्डन में यहाँ पर। दोस्तों, आइए मैं आपको एक जगह दिखाना चाहता हूँ। आप थोड़ा आगे आएँ और आगे से ये वाला जो केले का पेड़ है इसे दिखाएं। देखिए, एक जगह है, दिव्या भारती जी डांस कर रही हैं और उनके पीछे ये केले का पेड़ दिख रहा है। दोस्तों, ये जो केले का डिज़ाइन है, ये जितने भी जगह मैं घूम चुका हूँ मैं बताना चाहता हूँ, ये मैंने सिर्फ़ और सिर्फ मुंबई छोटा कश्मीर के एरिए में और पार्क में देखी है ये वाली जगह। दोस्तों, ये जगह काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी अच्छी है और ये जगह आज मुझे दिव्या भारती जी की याद दिला रही है। दोस्तों, मैं दिव्या भारती जी की सारी ही वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ और उनको याद दिलाना चाहता हूँ आप सबको कि वो अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी फेमस फिल्में, उनके फेमस गाने, उनकी एक्टिंग और उनकी बहुत सारी मेमोरीज हमारे साथ जुड़ी हुई है। तेरे सुर में मैं गाऊं, तेरी धुन में मैं नाचूं, तो वो सारे सॉन्ग के सीन यहाँ पर रिकॉर्ड हुए थे और कुछ सीन अंधेरी में एक स्टूडियो है जिसका नाम है कमलिस्तान स्टूडियो, वहाँ पर रिकॉर्ड हुए थे। लेकिन कुछ जगह यहाँ पर आज भी वैसी हैं जिनको दिखा के हम आपको दिव्या भारती जी की याद और वो दिनों की याद दिला सकते हैं जब वो टाइम पर वो सॉन्ग रिकॉर्ड हुआ था। तो यहाँ पर जहाँ पर हमारे आदिल भाई खड़े हैं, यहाँ से नीचे बस ये स्टेप है, मतलब बड़े बड़े पत्थर थे और यहाँ पर ये एक स्टेप नीचे, मतलब नीचे उतरने का एक रास्ता था, लेकिन लोग यहाँ से नहीं उतरते थे, बीच बीच में सीढ़ी बनाई गई थी। ये तो बड़े बड़े स्टेप हैं, लेकिन जब दिव्या भारती जी डांस कर रही हैं तो उनके पीछे ये जगह दिखती है। कैमरा उसका वो साइड से लिया गया, कैमरा वो साइड से लिया गया होगा, हम वहाँ पर नहीं जा रहे हैं बिकॉज नीचे बहुत ही बड़ी बड़ी घास है, जाने की जगह नहीं है। नहीं करके रखा हुआ, कहने का मतलब ये है गार्डन रुपया भी ले रहे हैं गार्डन में आने के लिए। हाँ, तो आदिल भाई ने जैसे बताया कि अगर आप इस गार्डन में कभी भी आना चाहते हो तो आपको 5 रुपये का टिकट लेना है और अगर आपके पास DSLR कैमरा है तो DSLR कैमरे के लिए आपको 20 रुपये का टिकट लेना है। आज ये गार्डन भी है, ये जगह भी है, ये पेड़ भी हैं, लेकिन आज दिव्या भारती जी नहीं है। 1992 में ये फिल्म आई थी और 1993 में दिव्या भारती जी की डेथ हो चुकी थी। करीब एक साल के बाद वो पूरी दुनिया छोड़ के चली गई हैं, लेकिन उनकी फिल्में और उनकी एक्टिंग और उनकी बहुत सारी मेमोरी अलग अलग जगह से जुड़ी हुई हैं और मैं पूरी कोशिश करता हूँ वो सारी जगह आपको दिखाने की। मुझे उम्मीद है दोस्तों, ये जगह, ये गार्डन, ये झाड़, ये पेड़, ये सारी चीज़ें देख के आपको बहुत अच्छा लगेगा बिकॉज यहाँ पर दिव्या भारती जी आई थी एक दिन। बिकॉज यहाँ पर एक दिन दिव्या भारती जी ने अपनी फिल्म के जब सॉन्ग के सीन रिकॉर्ड किए होंगे तो मुझे लगता है करीब 2-3 दिन उन्होंने इस गार्डन के अंदर स्पेंड किए होंगे, इस जगह को अपनी नज़रों से देखा होगा और आज हम भी यहीं पर पहुंचे हुए थे। आज आदिल भाई आराम कर रहे हैं अपने। आदिल भाई, क्या देख रहे हो?
कुछ नहीं भाई, मोबाइल चला रहा था। हम आपको जो ये शूटिंग लोकेशन दिखा रहे थे, ये गीत फिल्म की थी, और यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी बड़ी बड़ी झाड़ है। छोटा कश्मीर की थी, जिस जगह पर अब से करीब 90s का जो जमाना था, 91, 92, 93 वो टाइम की फिल्में यहाँ पर बहुत सारी रिकॉर्ड हुई थी इस गार्डन में। अगर आप कभी भी इस गार्डन में आओगे तो आप देख सकते हो इस जगह को, जहाँ पर यू नो दिव्या भारती जी ने एक टाइम पर अपने फिल्म का वो फेमस सॉन्ग रिकॉर्ड किया था। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लोकेशन, ये जगह आपको ज़रूर पसंद आई होगी, दिव्या भारती जी से जुड़ी हुई वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हो, इसी गार्डन के अंदर एक ये झोपड़ी है। मैं आपको बता दूँ, ये झोपड़ी भी करीब लकड़ी की और यू नो ऊपर खपरेल रखी गई हुई थी, बहुत ही खूबसूरत जगह थी ये भी। ये बहुत फिल्मों में दिखाई गई थी, लेकिन आज ये टूट चुकी है, मेंटेन ना होने की वजह से मैं ऐसा बोल सकता हूँ। लेकिन मैंने इसको 30-30 साल पुरानी फिल्मों में भी देखा है, तो उस हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि काफ़ी पुरानी भी हो गई थी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये शूटिंग लोकेशन जहाँ पर आपने दिव्या भारती जी की मूवी की शूटिंग सीन देखें, आपको ज़रूर पसंद आई होगी। चलिए दोस्तों ये वीडियो मैं यहाँ पर फिनिश करता हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लोकेशन आपको ज़रूर पसंद आई होगी, जहाँ पर तेरे सुर में मैं नाचूं, तेरे धुन में मैं गाऊं, सॉन्ग के कुछ ऐसे अल्फाज रिकॉर्ड हुए थे। चलिए दोस्तों वीडियो का फिनिश करते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें। लव यू ऑल, ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग, व्हाटएवर यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ। लव यू गाइस।